ओके okay, तो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपका जो बचपन में स्किन कलर था वो बड़े होते होते डल हो गया है, कहीं खो गया है? अगर आपका आंसर है हाँ, तो मुझे बताइए कि इसके पीछे रीजन क्या है। वेल, इसके पीछे रीजन ये है कि बचपन में तो आपकी मॉम आपकी केयर करती थी, बट जैसे जैसे बड़े होते गए आपने आपकी सेल्फ केयर करना बिल्कुल बंद कर दिया, एंड धीरे धीरे ओवर सन एक्सपोजर की वजह से आपका स्किन कलर इतना डैमेज हो गया कि अभी आप कितने भी स्किन प्रोडक्ट्स लगाते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हो चुका है, एंड मेरे स्किन कलर को वापस लाने के लिए मैंने काफी सारी चीजें फॉलो करी और मेरे ओरिजिनल स्किन कलर को धीरे धीरे वापस लाया, बट जिसमें मुझे 5 से 6 महीने लग गए विजिबल रिजल्ट्स को देखने में। बट डोंट वरी, मैं आज की वीडियो में आपको 3-स्टेप सॉल्यूशन देने वाला हूं जिससे आप बहुत ही कम टाइम में आपके ओरिजिनल स्किन कलर को वापस ला पाओगे। एंड इसमें स्टेप नंबर 3 बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि अगर आपने उसको मिस किया तो आप जो स्किन कलर को वापस लाने के लिए एफर्ट्स करने वाले हो सारे वेस्ट जाएंगे, एंड ऊपर से आपका स्किन कलर डैमेज भी हो जाएगा। बचपन से लेके अब तक सन एक्सपोजर की वजह से हमारा स्किन कलर थोड़ा तो डार्क होता है, एंड ये चीज नॉर्मल एंड नेचुरल है, बट ओवर सन एक्सपोजर जब होता है तब हमारी स्किन का कुछ ऐसा हाल हो जाता है। इसमें मोस्टली आपका फेस, नेक एंड हैंड्स अफेक्ट होते हैं, एंड आपका स्किन टोन अनइवन हो जाता है। तो अब ये बेसिकली ओल्ड टैनिंग है, एंड इस ओल्ड टैनिंग को रिमूव करने के लिए सबसे बेस्ट एंड सेफ तरीका है हमारा आयुर्वेदा। मेरी बात करूं तो मैंने ऑलमोस्ट सभी होम रेमेडीज ट्राई कर ली है, एंड इसमें से मैं आपको 3 मोस्ट इफेक्टिव एंड इजी रेमेडीज शेयर करने वाला हूं। फर्स्ट रेमेडी के लिए आपको योगर्ट लेना है, दही जिसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है जो टैन रिमूवल में बहुत ही हेल्पफुल है। दही लेने के बाद आपको थोड़ा सा हल्दी, टर्मरिक लेना है, एंड देन हनी डालना है। अच्छे से मिक्स करिए, फेस पे, नेक पे, हैंड्स पे अप्लाई कर दीजिए, ड्राई होने के बाद वॉश कर दीजिए। बहुत ही बेस्ट रेमेडी है, इसको ज़रूर ट्राई करना। अब सेकंड रेमेडी मेरी सबसे फेवरेट है, क्योंकि ये सबसे इजी और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके लिए आपको सिंपल हनी लेना है और उसके अंदर 4 से 5 ड्रॉप लेमन जूस डाल देना है। ज़्यादा लेमन नहीं लेना है, थोड़ा सा ही लेना है, 5-6 बूंद डाल दीजिए, दैट्स इनफ। अब लास्ट थर्ड रेमेडी के लिए आपको बेसन लेना है, जिससे आप पकौड़े बनाते हो उसको थोड़ा ले लीजिए, एंड उसके अंदर आपको डालना है योगर्ट, दही एंड हल्दी। अच्छे से मिक्स करिए, अप्लाई करिए। देखिए ये तीनों रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि इसको वीक में सिर्फ एक ही बार यूज़ करना है। वो क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट उससे पहले ये सुन लीजिए। देखिए मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं जो हमारे इंडियन आयुर्वेदा को क्रिटिसाइज करते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, बट मैं आपको बता दूं कि हमारे इंडियन आयुर्वेदा में बहुत पावर है। अगर ऐसा ना होता तो ये सारे स्किन प्रोडक्ट्स के अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट्स ना डाले जाते। तो आपके अंदर सिर्फ पेशेंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ऐसे लोगों की बातों को मत मानिए, तो हमारे इंडियन आयुर्वेदा की आपको हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड प्राउडली उसको यूज करना चाहिए। अब आप लोग आपके नेचुरल स्किन कलर को वापस लाने के लिए होम रेमेडी तो बना लोगे, उसको वीक में एक बार अप्लाई भी कर लोगे, बट अगर आपको ज्यादा फास्ट रिजल्ट्स चाहिए तो क्या सिर्फ होम रेमेडीज लगाने से इतना ओल्ड टैनिंग इतना जल्दी निकलेगा? तो आंसर है नहीं। अपने ओरिजिनल स्किन कलर को क्विकली वापस लाने के लिए आपको होम रेमेडी के साथ एक मेडिकल क्रीम यूज करनी पड़ेगी, जिसका नाम है ग्लाइको 6। इस ग्लाइको 6 क्रीम के अंदर होता है ग्लाइकोलिक एसिड, जो हमारी स्किन की टॉप लेयर को एक्सफोलिएट करता है, जिससे हमारा स्किन कलर, स्किन टेक्सचर एंड स्किन टोन इंप्रूव होता है। इस क्रीम से पिगमेंटेशन, टैनिंग, डार्क स्पॉट्स रिमूव होते हैं, एंड इवन अगर आपकी नेक डार्क है, डार्क एल्बोस है, डार्क नीज है, तो वहां से भी डार्कनेस को ये रिमूव करती है। अब किसी भी क्रीम को अप्लाई करने से पहले उसको कैसे यूज करना है वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप विदाउट एनी प्रिकॉशन यूज करते हो तो उससे आपकी स्किन बहुत ज्यादा डैमेज हो सकती है। ओके, तो सबसे पहले आप जब क्रीम लाते हो तो आपको पैच टेस्ट करना है, मींस आपको पहले देख लेना है कि आपकी स्किन उस क्रीम को सूट करती है या नहीं। तो उसके लिए रात को सोने से पहले आपको इस क्रीम को आपके कान के पीछे यहाँ पे अप्लाई कर देना है, एंड सुबह देखना है कि कोई इरिटेशन होता है, रेडनेस होता है कि नहीं। इस क्रीम को नाइट में ही अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको फेस वॉश करना है, देन आप पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हो, नेक पे अप्लाई कर सकते हो, अपने हैंड्स पे अप्लाई कर सकते हो, नीज पे, एल्बोस पे, जहाँ पे डार्कनेस है वहाँ अप्लाई कर दीजिए, प्राइवेट पार्ट पे अप्लाई नहीं करना है। अच्छा अब इस क्रीम को अप्लाई करने के बाद आपको 10 मिनट वेट करना है, देन आपके फेस के ऊपर फेस मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। वो क्यों, क्योंकि ये क्रीम आपकी स्किन के लेयर्स को निकालती है, जिससे आपकी स्किन सेंसिटिव होती है, रेडनेस हो सकती है, ड्राइनेस हो सकती है, दैट्स वाई वो साइड इफेक्ट को कवर करने के लिए आपको फेस मॉइस्चराइजर यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब इस क्रीम को आपको ओवरनाइट रखना है एंड सुबह वॉश कर देना है। बट यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि वीक में सिर्फ दो ही बार यूज करना है। अगर आप मंडे यूज करते हो तो सीधा थर्सडे यूज करिए, तीन दिन का गैप 100% होना चाहिए। अब अगर आपको लगता है कि वीक में एक बार होम रेमेडी और दो बार ग्लाइकोसिक्स क्रीम लगा के आपका ओरिजिनल स्किन कलर वापस आ जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि आपका स्किन कलर वापस आए ना आए आपकी स्किन डैमेज जरूर हो जाएगी अगर आप ये स्टेप 3 मिस करते हो। ये भगवान क्या जुलुम है। अब देखिए, आप आपकी स्किन की ट्रीटमेंट कर रहे हो राइट, तो आपकी स्किन सेंसिटिव होती है। दैट्स व्हाई आपको आपकी स्किन को एक बेसिक केयर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको 3 से 4 स्टेप लेने हैं आपकी स्किन की केयर करने के लिए। सबसे पहला आपको एकदम माइल्ड फेस वॉश यूज करना है, ज्यादा हार्श नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी आपकी स्किन डैमेज है और वो सेंसिटिव हो रही है। दैट्स व्हाई एकदम माइल्ड एकदम जेंटल फेस वॉश यूज करना है। दिन में दो बार या एक बार करोगे तो भी चलेगा, मॉर्निंग में आपको कर देना है। अब सेकंड आपको यूज करना है फेस सीरम। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि विटामिन सी फेस सीरम ही यूज करिए। थर्ड आपको अप्लाई करना है फेस मॉइस्चराइजर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव हो रही है, तो उसको आपको क्योर करना पड़ेगा, उसको आपको हीलिंग देना पड़ेगा, इसलिए हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्किन केयर रूटीन के लिए ये फोर्थ चीज अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो आप ये सारी ट्रीटमेंट करने वाले हो उसका कोई फायदा नहीं होगा, वो है सनस्क्रीन। देखिए आपकी स्किन ऑलरेडी सन से डैमेज हो गई, दैट्स व्हाई वो आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, अब वो सेंसिटिव हो रही है और आप सीधा बाहर चले जाओगे विदाउट एनी प्रोटेक्शन, तो आपकी स्किन बहुत ही गंदी तरीके से डैमेज हो सकती है। तो आपको सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करनी है, जब भी बाहर जाते हो सनस्क्रीन अप्लाई करके ही जाना है और आपके फेस को कवर करके जाना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूंगा। मैंने आपको ट्रीटमेंट बता दी, स्किन का रूटीन बता दिया, बट देखिए आपके स्किन कलर को अगर आपको मेंटेन करना है तो आपके लाइफस्टाइल को अच्छे से चेंज करना पड़ेगा, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए आपको हेल्दी फूड खाना पड़ेगा, वेजिटेबल्स फ्रूट्स, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, बस आपका लाइफस्टाइल हेल्दी होना चाहिए तभी आपकी स्किन अंदर से और बाहर से हेल्दी होगी। और यहाँ पे कोई स्किन कलर की बात नहीं हो रही है, डार्क स्किन फेयर स्किन ये सब कुछ मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपकी स्किन कितनी हेल्दी है। तो कभी भी आपके स्किन कलर को लेके आपको अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है। तो ये था हमारी चैनल का हाई डिमांड वीडियो। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई ओरिजिनल स्किन कलर के लिए और एक वीडियो बनाओ जिससे हम फास्ट तरीके से कोई मेडिकल क्रीम हो जिससे हम हमारा ओरिजिनल स्किन कलर वापस ला पाए। तो मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से सभी स्टेप आपको बता दिए, इसको अच्छे से फॉलो करिए। कोई भी दिक्कत आती है क्वेरी आती है कॉमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। अब देखिए अगर आपको पिंपल का प्रॉब्लम है तो पहले उससे ठीक करना चाहिए, देन आपके स्किन कलर को वापस लाने के लिए ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो ये वीडियो मैंने बनाया है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो पिंपल का प्रॉब्लम है परमानेंटली खत्म हो जाएगा, तो उसको देख लेना, मैं आपको वही मिलूंगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग स्टे पॉजिटिव एंड राधे राधे।